दोस्तों, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं और आप इस वाइटनेस को छिपाने के लिए आप कहीं अगर हेयर डाई लगा रहे हैं, नो अमोनिया लिखा हुआ कोई पैकेट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाहे वो गार्नियर हो, गोदरेज हो, वासमोल हो, कुछ भी अगर आप यूज़ करें तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके बहुत सारे आपके मतलब कि लॉस हैं। आपके बालों को ये डैमेज कर देगा। आपको शॉर्ट टाइम में तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको बहुत नुकसान होगा। दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे केमिकल्स युक्त आपके पाउडर मतलब पैकेट दिखेंगे, जिसमें आपको लिखा होगा कि नोमोनिया और नेचुरल मेहंदी, लेकिन ये मेहंदी नहीं है। इसके आप जो कंपोजिशन देखेंगे, इसके जो आप इंग्रेडिएंट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो केमिकल्स भरा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कुछ नेचुरल चीज़ें का नाम लिखे, जैसे ऑलिव ऑयल, आपका हीना पाउडर, आलमंड, ऐसा कुछ लिख के आपको खुश करते हैं। आपको मैं एक ऐसा मेहंदी पाउडर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेहंदी पाउडर है आपका काजल मेहंदी। दोस्तों, इसके अंदर आपको लिखा है कि मेड फ्रॉम 100% ऑर्गेनिक हीना पाउडर, और ये मतलब नेचुरल ब्लैक देता है। इसके अंदर नो अमोनिया ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं इसका दिखाता हूँ, आपको इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपका नेचुरल हीना तो है, इंटरनल स्लीप पाउडर है, आपका आलमंड है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है, सारे कुछ है। लेकिन दोस्तों, एक ब्रैकेट में ये केमिकल्स है जिसका नाम है फेनिलिनेडाइमिन, जो आपके बालों को ब्लैक करने का काम करता है। एंड एक और इंग्रेडिएंट है कलर कंटेंट, इसके अंदर कलर भी है जिसका नाम नहीं लिखा है। दोस्तों, आपको सिर्फ खुश करने के लिए ऐसे केमिकल्स दिखाते हैं कि नेचुरल ब्लैक है, ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसके अंदर केमिकल्स हैं। तो दोस्तों, आपको ये सब यूज़ नहीं करना। आपको शॉर्ट टाइम में तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है बिना केमिकल्स वाली कि जो आपके बालों को एक बार में आपको ब्लैक कर दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों। दोस्तों, आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ हैं जो आपको इसका सॉल्यूशन, करीब 30% बाल वाइट हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करता हूँ। दोस्तों, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो एक तो ये आयुर्वेदिक मेहंदी है, ये लगाता हूँ, नहीं तो नूपुर लगाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं। आपका ये जो नूपुर का मेहंदी है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है आपका लहसुनिया इंटरनल स्लीप पाउडर, बस एक ही इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। जो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है ये आयुर्वेदिक मेहंदी जो है, इसके अंदर जो भी है दोस्तों, आंवला है, नीम पत्ता है, आपका चंदन है, आपका तुलसी मेहंदी, हिना मेहंदी, बस इतना ही चीज़ है नेचुरल। नहीं तो दोस्तों, मैं पत्ता, जो ओरिजिनल पत्ता होता है मेहंदी का, वो यूज़ करता हूँ, उसमें आंवला पेस्ट मिला के, वो भी मेरे पास है। अभी ओरिजिनल पत्ता यूज़ करता हूँ, ये लाल मेहंदी का पत्ता है, और प्लस में ये इसके अंदर आंवला है, आंवला पाउडर मिला के इसको मैं मिक्स कर दिया हूँ, और 24 घंटे के लिए लोहे के बर्तन में इसको रख देता हूँ। देखिए, ब्लैक पूरा हो गया है, इसको लगाता हूँ। दोस्तों, मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करता, मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करता हूँ, और मैं आपको भी ऐसा चाहता हूँ कि आप भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करें। प्लीज़, आप ये केमिकल यूज़, नो अमोनिया लिखा हुआ कोई भी पैकेट यूज़ ना करें, आप उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें। और मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, और मेरे 30% करीब दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बाल वाइट हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, सामने से बंदा को पता नहीं चलेगा। जब मैं ये चीज़ें लगा के हल्का फुल्का तेल लगाता हूँ, नारियल या सरसों का, तो बाल वाइट का पता नहीं चलता। और मैं मेडिसिन भी लेता हूँ, इस सफ़ेद बाल को रोकने के लिए मेडिसिन लेता हूँ, और मेरा एक दो बाल यहाँ का वाइट था, बियर्ड का और आईब्रो का, उसके लिए मेडिसिन लेता हूँ। दोस्तों, जो मैं मेडिसिन लेता हूँ, वो ये सारी मेडिसिन हैं दोस्तों, जो मैं यूज़ करता हूँ, इतनी सारी। दोस्तों, ये मेडिसिन, ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो मैं बियर्ड के लिए मेडिसिन लेता हूँ स्टॉप के रोकने के लिए, वो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।